हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लैशर रिले या इंडिकेटर जो रिले रहते हैं उसके बारे में। हम जानते हैं गाड़ी जब रोड पे चलते हैं उस समय अगर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। राइट हैंड साइड के इंडिकेटर या लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, या गाड़ी जब बीच रोड में पार्किंग कंडीशन में हम लोग रखते हैं उस समय हैजर्ड स्विच यूज करते हैं, यानी चारों इंडिकेटर लाइट ग्लो करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर लाइट ग्लो करते हैं इसका सर्किट क्या है और किस तरह का ये जो फ्लैशिंग रिले जो है किस तरह काम करते हैं, तो ये सब लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो आपके लिए काफी फायदा बन रही है, क्योंकि फ्लैशर रिले जो है इसका काम जानना बहुत ही जरूरी है, यानी किस आधार पर जो फ्लैशिंग रिले है वो काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत तरह का फ्लैशर रिले हमारा मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर जो फ्लैशर रिले सबसे ज्यादा व्हीकल्स में यानी सबसे ज्यादा गाड़ी में यूज होता है वो है थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप फ्लैशर रिले, एंड और एक फ्लैशर रिले हमारा गाड़ी में यूज होता है वो है सॉलिड स्टेट टाइप। तो दोनों का जो फंक्शन है पूरा अलग अलग फंक्शन है, बट आज हम लोग थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप जो फ्लैशर रिले है जो सबसे ज्यादा गाड़ी में यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका सर्किट या अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्लो करता है, एक बार बंद होता है एक बार चालू होता है। तो कभी कभी आपने देखे होंगे इंडिकेटर ऑन करने के बाद भी हमारा जो इंडिकेटर बल्ब कंटिन्यूअस ग्लो करता है, यानी वो ब्लिंकिंग नहीं करता है या लाइट जो है वो बिल्कुल जलता नहीं है या हाई ब्लिंकिंग रेड है। तो इसका क्या कारण है इस वीडियो का आखिर में बताऊंगा। तो ये हो गया फ्लैशर, जो हमने बताया जो थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप जो फ्लैशर रिले है उसका इनर कंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको आखिरी में बताऊंगा। पहले इसका सर्किट और गाड़ी में किस तरह का फिट होता है, कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। फ्लैशर रिले जो है वो इस तरह का होता है। नॉर्मल फ्लैशर रिले जो है उसमें थ्री पॉइंट रहते हैं, एक हो गया आपको एल और ए हो गया बी और एक हो गया आपको ई, यानी अर्थ जो है यानी उसका नेगेटिव जो कनेक्शन है वो फ्लैशर रिले का ई पॉइंट में आता है, बी पॉइंट या बी प्लस पॉइंट में आपको डायरेक्ट बैटरी से पॉजिटिव वोल्ट फ्लैशर रिले को जाते हैं, एक हो गया ई जिसमें आपको नेगेटिव वोल्ट रहता है यानी आर्थिंग रहता है, और एल वाला जो पॉइंट है वो लोड है, जो भी हमारा लाइट फ्लैशिंग लाइट के कनेक्शन है वो हमारा एल पॉइंट में वो कनेक्ट रहता है। तो ये हो गया फ्लैशर रिले का टोटल तीन पॉइंट है। टू पॉइंट का भी फ्लैशर रिले है वो जिसमें आपको ई पॉइंट मिसिंग रहता है, या फोर पॉइंट का भी फ्लैशर रिले है जिसमें ए तीन पॉइंट रहते हैं प्लस एक, जैसा आप सिग्नल टर्न इंडिकेटर जो है वो ऑन करते हैं, ऑन करने का समय आपको गाड़ी का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो इंडिकेटर बल्ब है वो ग्लो करते हैं, बट सेम एट द सेम टाइम जस्ट आपको सिग्नल देने के लिए यानी सूचना देने के लिए लाइट ऑलरेडी ग्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे आपको जो डैशबोर्ड पैनल है उसमें भी लाइट ग्लो करते हैं, तो वो लाइट जो है जो फोर सिग्नल रिले है, कोई कोई रिले में वो फोर सिग्नल रिले यहीं से कनेक्शन लिया आपको डैशबोर्ड में, या मैक्सिमम तरह गाड़ी में आपको डायरेक्ट जो सिग्नल लाइट का जो कनेक्शन वो जो आउटपुट लाइट में जा रहा है कनेक्शन उसी से लिया जाता है। तो वो बात की बात है, नॉर्मली आपको दो या तीन पॉइंट का रिले मिलता है इस तरह का। और हमारा जो कॉम्बिनेशन स्विच रहता है स्टेयरिंग व्हील के नीचे, वो कॉम्बिनेशन स्विच में देखिए दो पॉइंट रहता है, बीच में न्यूट्रल है, जैसे हम ऊपर तरफ उठाते हैं तो लेफ्ट साइड का लाइट ग्लो करते हैं, और जैसे हम नीचे तरफ मूव करते हैं तो हम लोग राइट साइड का लाइट ग्लो करते हैं। तो ये हो गया आपको फ्रंट राइट हैंड साइड का जो लाइट है यानी बल्ब जो है इंडिकेटर बल्ब, फ्रंट राइट हैंड साइड की इंडिकेटर बल्ब, ये रियर राइट हैंड साइड की इंडिकेटर बल्ब, ये हो गया रियर लेफ्ट हैंड साइड की इंडिकेटर बल्ब, और ये हो गया फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड के इंडिकेटर बल्ब, चारों इंडिकेटर बल्ब हमारे गाड़ी में मौजूद रहते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का जो देखिए जैसा हम कॉम्बिनेशन स्विच को नीचे तरफ पुश करते हैं, राइट हैंड साइड का जो सिग्नल बल्ब यानी इंडिकेटर बल्ब है वहां पे देखिए एक पॉजिटिव लाइन गया दोनों तरफ, ये हो गया आपको पॉजिटिव कनेक्शन, और दोनों बल्ब का देखिए एक नेगेटिव नॉर्मल कॉमन है जो कि कंटिन्यूअस नेगेटिव बल्ब में कॉमन रहते हैं। हम लोग इस सिस्टम में पॉजिटिव वोल्ट को यानी पॉजिटिव को कंट्रोल करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का ये जो स्विच है, स्विच के राइट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड का जो दो बल्ब है उसमें कनेक्शन गया है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी दो पॉजिटिव कनेक्शन आपको गया बल्ब में, और नेगेटिव जो है वो दोनों बॉडी में अर्थ कॉमन है। तो हो गया है जैसा हमारा राइट हैंड साइड का यानी राइट हैंड साइड में अगर आपने कॉम्बिनेशन स्विच को मूव किया इस तरफ मूव करने से क्या होगा, ये जो न्यूट्रल में था स्विच वो राइट हैंड साइड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा लोड कनेक्ट हो जाएगा
यानी ये जो बल्ब है ये लोड डायरेक्ट आपको एल में आ जाएगा, लोड एल में आने के बाद आपको फ्लैशर रिले वर्किंग करना शुरू कर देगा, तब क्या होगा इसमें वोल्टेज सप्लाई करेगा, फिर कट करेगा, फिर वोल्टेज सप्लाई करेगा, फिर कट करेगा, फिर सप्लाई करेगा, इस तरह का एक ब्लिंकिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग यानी जब इंडिकेटर ऑन होता है या इंडिकेटर चलता है आप देखे होंगे टिक टिक आवाज आते हैं, वो कोई कोई गाड़ी में सेकंड में टू टाइम आता है यानी दो बार आता है, कोई कोई गाड़ी में एक सेकंड में एक बार आता है। तो वो डिपेंड करता है फ्लैशर रिले का अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह का फ्लैशर रिले हम लोग यूज किया है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का। जैसा कॉम्बिनेशन स्विच को हम लोग सेंटर ला देते यानी न्यूट्रल कर देते तो न्यूट्रल कंडीशन में लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है यहां से, तो फ्लैशर रिले वर्किंग करना बंद कर देते। सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट साइड में यानी कॉम्बिनेशन स्विच को ऊपर तरफ पुश करते हैं, पुश करने से लेफ्ट साइड का जो हमारा इंडिकेटर बल्ब है वो लोड डायरेक्ट आपको फ्लैशर रिले में आ जाते हैं। जैसा फ्लैशर रिले में आ जाते हैं तो फ्लैशर रिले सिमिलरली काम करना शुरू कर देते हैं, यानी इसमें करंट सप्लाई करते हैं एक बार, फिर करंट छोड़ देते हैं, तो हमारा जो इंडिकेटर बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। तो ये हो गया सिंगल सिंगल साइड का जो इंडिकेटर बल्ब यानी सिंगल साइड का जो टर्न सिग्नल है उसके लिए हो गए। तो आप इसके बाद देखे होंगे हैजर्ड स्विच जो कि इस तरह का एक सिंबल रहता है स्विच का, ये हो गया हमारा हैजर्ड स्विच। तो जब हम हैजर्ड स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, चारों जो इंडिकेटर बल्ब यानी फ्रंट का दोनों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, देन रियर का दोनों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का चारों बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है यानी इंडिकेट करने लगता है जो गाड़ी पार्क कंडीशन में है अभी। तो वो जो हैजर्ड स्विच का कनेक्शन है वो कनेक्शन किस तरह का होता है अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मान लो ये हमारा हैजर्ड स्विच का कनेक्शन है, हैजर्ड स्विच के कनेक्शन के साथ हमारा चारों बल्ब का कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो हैजर्ड स्विच से एक डायरेक्ट आपको आता है एल में कनेक्शन रहता है यानी लोड के साथ कनेक्ट रहता है, और ये जो आउटपुट कनेक्शन है आउटपुट दोनों साइड का जो सर्किट है उसमें ऐड होगा, इस तरह का ऐड होगा। बीच में एक हमारा डायोड रहता है, इस तरह का डायोड रहता है, देन डायोड से ए लाइन कनेक्ट हो गया, और देन सिमिलरली ए वाला स्विच के जो और एक कनेक्शन है जैसा मैंने इसका पहले से ले लिया, एक कनेक्शन जाके थ्रो डायोड डायरेक्ट थ्रो जाके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट किस लिए वो मैंने बताऊंगा, देखिए ये हैजर्ड स्विच है, हैजर्ड स्विच से एक जो है कनेक्शन आपको डायरेक्ट लोड में आया है, ये जो कनेक्शन डायरेक्ट लोड में आया यानी स्विच जब ऑन करेंगे तो लाइट का जो लोड है वो डायरेक्ट इसमें आने के लिए यानी फ्लैशर रिले में आने के लिए, और हैजर्ड स्विच से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का जो सर्किट है वो दोनों में एड किया। ये देखिए ये आउटपुट लाइट लाइन जो है वो डायरेक्ट लेफ्ट साइड वाला जो दोनों वाल्व है वो सर्किट में ऐड हुआ, सिमिलरली डायोड का पहले से यहाँ पे जाके आरएस साइड में अटैच हुआ, तो यहाँ पे डायोड देने का काम भी है। तो जैसा हमने हैजर्ड स्विच ऑन कर दिया तो चारों जो लाइट है उसका लोड जाके आपको डायरेक्ट यानी यहां से भी लोड जाएगा और इधर से भी लोड आएगा, आगे डायरेक्ट आपको एल में आएगा, फ्लैशर रिले का एल पोर्शन में एल पॉइंट में आएगा। जैसे एल पॉइंट में आएगा तो फ्लैशर रिले काम करना शुरू कर देगा, तो चारों लाइट एक साथ ग्लो होगा, करंट जो है स्विच के अंदर जाएगा, स्विच के अंदर से डायरेक्ट आपको इसमें भी जाएगा और डायोड होगी इसमें भी जाएगा। तो बीच में डायोड देने का काम क्या है, डायोड आप जानते होंगे नॉर्मल जो डायोड रहते हैं वो वन वे करंट जो फ्लो करते हैं यानी करंट इस पार से इस पार फ्लो होगा बट यहां से फ्लो रिस्ट्रिक्शन है यानी फ्लो होने नहीं देगा। तो जैसा इसमें डायोड है मतलब क्या है, इस सर्किट में वोल्ट करंट पास होगा बट रिवर्स करंट पास नहीं होगा। तो डायोड देने का मतलब यही होता है, जैसा हमने कॉम्बिनेशन स्विच को ओनली राइट हैंड साइड सिग्नल देने के लिए हम लोग ऑन किया, तो जैसा हम लोग राइट हैंड साइड सिग्नल देने के लिए ऑन किया तो ऑन करने से क्या होगा, राइट हैंड साइड का जो लोड है वो डायरेक्ट एल में आएगा, तो एल से हमारा करंट सप्लाई होगा, सप्लाई होके ये सर्किट होके हमको ए वाला बल्ब भी ग्लो करेगा, ए वाला बल्ब भी ग्लो करेगा। तो जब ये दोनों बल्ब में आपको करंट है अवेलेबल है, अगर हमारा बीच में डायोड नहीं रहेगा तो ए करंट भी इसी तरह इसमें भी आ जाएगा, सेम यहां से भी इसमें इस सर्किट में भी आ जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा। तो आने से क्या होगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा, यानी आप राइट हैंड साइड को सिग्नल दे रहे यानी ग्लो करने के लिए सिग्नल दे रहे इंडिकेटर बल्ब को, वो ग्लो चारों तरफ हो जाएगा, तो इसीलिए बीच में डायोड रहता है। जैसे हमने राइट साइड कनेक्ट किया, राइट साइड में हमारा लाइट ग्लो कर रहा है, तो वो करंट डायोड होने के कारण ये हैजर्ड स्विच यानी चारों तरफ पास नहीं होगा। सिमिलरली इस तरफ अगर हमने लेफ्ट साइड कनेक्ट किया तो लेफ्ट साइड का लाइट ग्लो कर रहा है, उस समय राइट साइड का ग्लो ना हो जाए हैजर्ड स्विच के द्वारा, तो इसीलिए यहाँ पे डायोड लगाए। डायोड लगाने से क्या होगा, करंट इस तरफ फ्लो नहीं होगा,
फ्लो नहीं होने से हमारा जो काम है यानी नॉर्मल जो पाइपस है यानी लेफ्ट साइड का जलन है तो लेफ्ट साइड पे चलेगा, राइट साइड का जलन है तो राइट साइड चलेगा। अगर हमने हैजर्ड स्विच ऑन किया तो दोनों तरफ ग्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में हैजर्ड सर्किट में दोनों तरफ दो डायोड रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट कैसे रहता है, यानी जो टर्न सिग्नल का सर्किट कैसे रहता है उसका डिटेल्स मैंने आपको बताया। अब ये देखे होंगे जो फ्लैशर रिले है, ये फ्लैशर रिले का इनर कंस्ट्रक्शन कैसे है वो बहुत ही कम जगह में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो स्विच है यानी रिले तो एक टाइप का स्विच है, थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो स्विच है उसके अंदर किस तरह का फंक्शन करते हैं, कैसे वो करंट को छोड़ पकड़ करते हैं यानी लाइट को एक बार जलाते एक बार बंद करते एक बार जलाते। तो यहाँ पे देख लेते हैं बैटरी फ्लैशर में देखिए ये इनर कंस्ट्रक्शन फ्लैशर का, इसमें तीन पॉइंट है। ये बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट बी में, एल में आपको लाइट का लोड रहेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो लाइट है ये लाइट का लोड रहेगा और ये जो है वो आठ है। तो इसके अंदर आप देखे होंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ये हो गया आपको लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये हो गया आपको लिमिटिंग रेजिस्टेंस और ये हो गया आपको हॉट एक्सपेंशन वायर। तो नॉर्मल समय में रिले के अंदर क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन स्विच जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है, बट रिले के जो बी प्लस यानी जो बी वाला पॉइंट है उसमें हमेशा बैटरी का जो करंट है वो मौजूद है। तो करंट क्या होगा, यहां से सप्लाई होगा, फिर आपको हॉट एक्सपेंशन वायर होके आपको जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है उसके अंदर से जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर से कॉइल जो है वो उसमें मूव करके आपको लाइट तक जाएगा, पर वो बहुत ही मिली वोल्ट है। जैसे हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन स्विच उसको मूव किया यानी लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों इंडिकेटर बल्ब है उसको जलाने के लिए, तो जैसा हमने मूव किया तो एल जो है यानी यहाँ पे एल के ऊपर लोड आ गया हमारा, क्योंकि बल्ब हम लोग कनेक्ट किया। तो जैसा लोड आ जाते हैं, लोड आने से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण करंट जल्दी फ्लो नहीं हो पाएगा इस तरह, तो फ्लो नहीं हो पाएगा तो हॉट एक्सपेंशन वायर जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, वो थोड़ा सा फैलेगा, फैलने से ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट एक आपस में मैच हो जाएगा। मैच होने से क्या होगा, बैटरी से डायरेक्ट आपको जो करंट है वो यही से पास हो जाएगा, थ्रो कॉइल होके आपको जाएगा बल्ब में यानी बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब जल गया। तो जैसा यहाँ पे हाई करंट सप्लाई हो रहा है बल्ब में तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद क्या करता है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट अटैच हुआ था उसको डिटैच कर देता है, यानी दोनों मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल एक साथ लेके आए तो वो डिटैच कर देता है, उसी तरह ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को फिर डिटैच कर देता है। ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट को काट देने के बाद क्या हुआ, वो बल्ब पहले ग्लो हुआ था यानी जला था, फिर बल्ब बंद हो जाएगा यानी बुझ जाएगा। तो जैसा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने से क्या होगा, ऑलरेडी तो हमारा बल्ब का लोड इसमें है तो ये वायर फिर आपको गर्म हो जाएगा, फिर गर्म होने से आपको फिर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट अटैच हो जाएगा, फिर जैसे अटैच हो जाएगा डायरेक्ट आपको यहाँ पे करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर बनेगा, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो उस समय इसको फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट छोड़ देगा। तो ये जो हॉट एक्सपेंशन वायर इस तरह का है वो वायर जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म भी होता है। तो गर्म कब होता है, अगर हमारा यहाँ पे लोड है यानी हमने इंडिकेटर को ऑन किया, राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो इंडिकेटर ऑन किया, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण वो करंट पास नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा तो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट हो जाएगा और जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो करंट डायरेक्ट पास है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, यानी कनेक्ट कंडीशन में वो तुरंत ठंडा हो जाता है और जब वो डिटैच हो जाता है यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होने से वो तुरंत फिर गर्म हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस होने के कारण करंट आपको पास नहीं हो पाता है। तो ये जो फ्लैशर रिले जो है या टर्न इंडिकेटर जो रिले है इस तरह का अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है जिसके कारण आपको थर्मल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो फ्लैशर रिले है वो काम करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया, जो फ्लैशर रिले का सर्किट कैसे रहता है, क्यों फ्लैशर रिले सर्किट में आपको डायोड लगाया जाता है और फ्लैशर रिले का अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन है और कैसे काम करते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था फ्लैशर रिले के अंदर ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट में अगर रस्ट आ गए या जंग पकड़ लिया, जैसे टर्न सिग्नल इंडिकेटर ऑन करते हैं उस समय आपको इंडिकेटर बराबर ग्लो नहीं करेगा यानी इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। अगर इंडिकेटर कभी कभी देखे होंगे सिग्नल ऑन करने के बाद ग्लो नहीं करते तो उस समय ये जो स्प्रिंग जो लोड
डिटैच अटैच होते हैं वो वाला फंक्शन इसका खराब हो जाता है, यानी वो लूज हो जाता है। तो एक डायरेक्ट एक ही जगह में आपको टच रहता है, वो डिटैच नहीं हो पाता, ये अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छा बराबर काम नहीं करते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसी तरह देना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।